जे 54 में हम और चैप्टर संख्या 5 हमारा चल रहा था जो पूरा हो गया इतने मिनट जो लगभग पूरा हो गया है। कुछ एक दो सामान्य बातें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जिनका हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, वैसे हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं उनके बारे में बात, लेकिन अब दोबारा कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर उनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है जो गति की समीकरणों से रिलेटेड है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, तीसरे चैप्टर में भी उनके बारे में पढ़ा था। उन्हीं की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी जो कण है उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है तो समीकरण क्या पढ़ेंगे। एक बात, दूसरा जब कण स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है तो उसके लिए क्या समीकरण पढ़ेंगे। वैसे तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें गति की तीन समीकरणें पता हो कि पहली समीकरण होती है वी प्लस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड होती है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये तीन समीकरण हमें और बाकी कंडीशन हमें बताओ कि कण ऊपर जाता है तो क्या स्थिति होती है, कण नीचे आता है तो क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों के बारे में अगर हमें पता है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, हमें इनको इनकी जो हम इक्वेशंस निकालेंगे चेंज करके उनकी जरूरत नहीं है याद रखने की कभी भी। वैसे जब कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसे अपने आप कण ऊपर नहीं जाता, एक बार ये ध्यान रखें कण को ऊपर फेंकना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, उसको वेग देना पड़ता है। तो यहां जो प्रारंभिक वेग है वो u होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है कण ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा उस पर नीचे की ओर ही कार्य करता है, इसलिए यहां पर a बराबर क्या होता है माइनस g होता है। तो अर्थ जो है वो a की जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह माइनस g, ग्रेविटी काम कर रही है उसको छोड़ने के बाद में, हमने फेंक दिया उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच रहे हैं, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जो जी होता है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, कण ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों विपरीत दिशा में हो गया ना, बल इधर लग रहा है और कण ऊपर जा रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, अंत में वो एक पॉइंट पे कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर वापस किधर आ जाता है नीचे की ओर आ जाता है, इसलिए वहां जो विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण काम कर रहे हैं किसके गति के, इसीलिए वहां कह लेते हैं ए बराबर माइनस जी। जब कण भी नीचे आ रहा है और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे ही काम कर रहे हैं तब भी ए बराबर जी होता है, लेकिन वो प्लस में होता है, डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा माइनस के द्वारा व्यक्त की जाती है। देखो जब कण स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है नीचे गिरता है तो मतलब उसको क्या है छोड़ा गया है, छोड़ने के लिए बल नहीं लगाना, एक तो फेंकना अलग बात होती है, सामान्य छोड़ा गया उसको तो पहले वो किसी स्थिर अवस्था में है, उसको पकड़ रखा है तो विराम अवस्था में है, उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग वो क्या होगा जीरो होगा। तो जब गिरता है कण उस स्थिति में प्रारंभिक वेग उसका क्या रहता है जीरो रहता है, ये बात क्वेश्चन के अंदर कभी भी नहीं दी जाती है, हमें उसकी लैंग्वेज से पता होना चाहिए, लैंग्वेज में साफ लिखा जाता है, जैसे ये दे दिया कि किसी दूसरी मंजिल से किसी कण को ऊपर फेंका है तो दूसरी मंजिल पे तो हम ही खड़े हैं, वहां से ऊपर फेंका है तो वो पहले ऊपर जाएगा, धीरे 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 उसका वेग कम होगा, स्पीड कम होगी, फिर वो एक कुछ समय के लिए क्षण के लिए रुकेगा और वापिस मुड़ जाएगा नीचे की ओर, जब नीचे की ओर आएगा तो पहले उसका वेग क्या हुआ धीरे 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 कम हुआ, अंत में क्या हो गया जीरो हो गया, फिर वापिस आते समय जो अंतिम वेग था जीरो वही उसका क्या हो जाता है प्रारंभिक वेग हो जाता है, फिर जीरो वेग से स्टार्ट होता हुआ जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है गुरुत्वाकर्षण बढ़ता रहता है, सतह पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बढ़ता रहता है और उसकी स्पीड भी बढ़ती रहती है और अपनी अधिकतम स्पीड से वो जमीन को टच करता है। तो हमें ये बातें क्वेश्चन में नहीं दी जाती है इसलिए पता हो, न्यूमेरिकल करेंगे तो दिक्कत आएगी वरना फिर। तो a इज इक्वल टू माइनस जी होगा, जब कण नीचे गिरेगा तो कण भी नीचे आ रहा है गुरुत्वाकर्षण भी नीचे काम कर रहा है तो a बराबर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। जब जमीन को टकराएगा कण तो उसकी स्पीड अधिकतम होगी, कितनी होगी वो डिपेंड कर रहा है कितनी ऊंचाई से आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर इससे हम ये भी बता सकते हैं कितने समय में आएगा वो हमें दे दी जाएगी एक दो बात, कितने किस किस वेग से टकराता है, अंतिम वेग दे दिया तो समय बता सकते हैं हम इसके अंदर समय दे दिया तो वेग बता सकते हैं।
अब इसके देखो ये दो बातें अप्लाई करनी है अपने को, दो बातें क्या, एक ही बात अप्लाई करनी है यहां, दो बातें अप्लाई करनी है, यू का मान जीरो रखना है, ए का मान जी रखना है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि कोण कर्ण नीचे आ रहे हैं तो आपके बीच से तीन नई समीकरण पड़ जाएंगे, उन तीन को याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता है तो आप समीकरण लिख लो गति की जो भी लगानी है उसमें ये मान रख, ये मान दिए नहीं गए ये मान हमें पता है, इनके अलावा एक दो मान दिए जाएंगे वो गए, सारे मान रखेंगे तो जो वैल्यू पूछी जाएगी उसको हम निकाल सकते हैं। तीन समीकरण, तीनों समीकरण बदल जाएगी। अब देखो प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू तो यू रहेगा, ए की जगह क्या रहेगा माइनस जी, तो ये समीकरण बदल गई। अब इसको रट्टा मारने जो दिया ऊपर फेंकेंगे तो पहली समीकरण u बराबर माइनस जी टी लगेगी, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं हम, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कर्ण ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे ही काम करता है, इसलिए ए बराबर वहां माइनस जी होता है, क्वेश्चन में नहीं होगी ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो जब क्वेश्चन में यू दे रखा है, कोई बी दे रखा है, टी दे रखा है, तो उनके साथ साथ ये बात हमें हमारी तरफ से लगानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी समीकरण जो है वो क्या होती है, दूसरी समीकरण होती है एस बराबर यू टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वायर। तो एस तो ऐसे ही, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊंचाई है, ऐसे में ऊंचाई के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है कि इतनी ऊंची छत से गिराए गए, तो वो ऊंचाई दूरी है, वो ऊंचाई भी तो दूरी है, ठीक है, उसको भी फीते से मापा जाता है। तो यू टी एज इट इज एक ही जगह रखेंगे माइनस जी, तो बीच में क्या गया माइनस जी आ गया, ठीक है। अब तीन समीकरण है तो वो थी, और देखो तीन नहीं तैयार हो गई, तीन इधर तैयार हो जाएंगी, बहुत समीकरण हो जाएंगी, इसलिए अलग अलग रट्टा नहीं मारना है इनको, ये ध्यान रखना है भी कि सिचुएशन का मतलब क्या है, अगर मतलब पता है तो अप्लाई अपने आप हो जाएगी। फिर बात आती है तीसरी समीकरण, तीसरी समीकरण क्या है, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, बी स्क्वेयर एज इट इज यू स्क्वेयर इसकी जगह माइनस टू जी एस। अब एक बात और आ जाती है इसके अंदर, देखो तीन और बढ़ा देंगे हम इसे, या इधर लिखा अधिकतम ऊंचाई के लिए, क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड और दे दिया जाता है, अधिकतम ऊंचाई में कितना समय लगेगा, अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में कितना समय लगेगा, कितना वेग होगा, इस तरह के मान दिए जाते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई पर आपको वेग ध्यान रखना है, जब कण ऊपर जा रहा है यहां से ऊपर फेंका हमने, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, अंत में स्पीड क्या हो जाएगी, अंत में स्पीड कौन सी है, अंतिम स्पीड है, अंतिम वेग है। तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, अधिकतम ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है, अधिकतम है, एच मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम पर वी का मान जीरो होता है, यू हमें देना पड़ता है। तो यू तो हम दे ही रहे हैं, ऊपर की तरफ भी तो होती है ऊंचाई, ऊंचाई तो इसी के अंदर एक बात और जुड़ गई, अगर अधिकतम ऊंचाई आ गई तो आपको क्या और लगाना पड़ेगा, क्या और लगाना पड़ेगा, वी और लगाना पड़ेगा, वी बराबर जीरो, ए बराबर माइनस जी तो है ही, ये तो है ही ए बराबर माइनस जी तो, लेकिन बी बराबर जीरो। तो यहां से यहां से यहां से ये समीकरण और तैयार हो जाती है, तीन और हो गए, इसमें बी का मान जीरो रखेंगे, प्रथम समीकरण क्या रखें, बी बराबर जीरो रखेंगे, तो जीरो बराबर यू माइनस जी टी, जी टी इधर आ जाएगा तो यू बराबर क्या हो गया, अब ये नई समीकरण आ गई। तो अब इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो इक्वेशन फॉरम में क्वेश्चन हो तो हमें पता होना चाहिए हमें कैसे बनाना है समीकरण, बना ले कि इतना 10 सेकंड समय लगेगा, बन जाएगी समीकरण, फिर हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पता रहे कि करना कैसे है, यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सिचुएशन का मतलब क्या है, अगर कण ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, क्या चेंज हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, इसलिए ए जो है त्वरण होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, जिस ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकता कण, तो वहां से क्या होगा, वापिस मुड़ेगा, तो ऐसे जाते 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 एक बार तो रुकेगा, रुक के फिर वापिस मुड़ेगा, तो जहां रुकेगा वहां क्या होगी ऊंचाई, अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो गया, वेग का मान जीरो, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बी जीरो लगाते हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, दूसरी समीकरण तो ऐसी कैसी आ जाएगी, लेकिन तीसरी समीकरण फिर चेंज हो जाएगी, ये तो ऐसी कैसी आ जाएगी, यू टी माइनस वन बाई टू ए जी टी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर तो बी है ही नहीं,
तीसरी समीकरण में फिर आ रहा है वी स्केयर, तो वी की जगह जीरो रख देंगे, जी माइनस का लगाई दिया हमने पहले, तो इसके अंदर फिर नई समीकरण आ जाएगी। तीसरी समीकरण में क्या आएगा, बी स्केयर की जगह जीरो रखोगे, यू स्केयर माइनस टू जी एस, इसको इधर ले आओ, तो यू स्केयर इज इक्वल टू क्या गया टू जी एस, यू इज इक्वल टू क्या गया अंडर रूट टू जी एस, इसको ऐसे भी लिख देते हैं यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, एस को एस लिख देते हैं क्योंकि क्या है ऊंचाई है, तो एस दूरी ही ऊंचाई है। अब दूसरी बात आती है, यहां से फिर नई समीकरण आ जाएंगी, क्या अप्लाई करना है कि जब कण को गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है, तो अपने ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि पार्टिकल जब उसका स्वतंत्रता पूर्वक आ रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है। जो चीजें हमें नहीं पता है वो हमें क्वेश्चन में दे दी जाएगी, जैसे भाई इसका वेग 10 सेकंड के बाद कितना होगा, 5 सेकंड के बाद कितना होगा, तो हमें टाइम दे देंगे 10 सेकंड के बाद ज्ञात करो तो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख दो गति की वही समीकरण है, प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इधर लिखी हुई है, बार बार लिखने की जरूरत है, मान रख दें क्या रखेंगे, v इज इक्वल टू यू का मान जीरो प्लस एटी इधर जी रखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या गया, देखो ये अलग समीकरण है वो अलग समीकरण है ये अलग समीकरण है सारी अलग अलग होगी, लेकिन हमें अगर सिचुएशन याद है तो जो लगानी है जो दो बातें दी गई है उसके साथ दो बातें अपनी भी डाल देंगे कि ये हमें पता ऐसा होता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दी दो एक बात दे दी वेग दे दिया कितने टाइम में इतना वेग हो जाएगा तब हमें ये बात पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गए क्वेश्चन। फिर बात आती है द्वितीय समीकरण की, द्वितीय समीकरण में भी दोनों बातें अप्लाई करनी है, एस इज इक्वल टू क्या है यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, तो यू की जगह जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, वन बाई टू ए की जगह जी रखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई एस इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस यहाँ ऊंचाई के रूप में है इसलिए एस को क्या लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं। फिर आती है तीसरी समीकरण के लिए, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये जीरो हो गया और ये यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अभी सॉरी इसको जीरो करना है, यू को जीरो करना है, तो अपने पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, तो अपने पास यहाँ यू जीरो है, जब कर्ण वापिस आ रहा है उसी स्थिति में U का मान जीरो है तो U को जीरो कर देंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा टू ए की जगह जी रख देंगे और एस, ऐसे लिख दो चाहे बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो इसका अंडर रूट टू जी एस लिख दो। अब देखो यहाँ पर भी ऐसी इक्वेशन है यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में अंतर है, यहाँ ये अंतिम वेग के लिए समीकरण है, वो प्रारंभिक वेग के लिए समीकरण है, वो कर्ण के ऊपर जाते हुए के लिए समीकरण है, ये कर्ण के नीचे आते हुए के लिए समीकरण है, इसलिए इन समीकरणों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इनके बारे में पता हो भाई आएगी कैसे, तो जैसे जो चाहिए अपने तो वही ले लेंगे, बाकी को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये स्थितियां पता होना चाहिए, कर्ण ऊपर जा रहा है तो क्या स्थिति होती है, कोई कर्ण स्वतंत्रता पूर्व नीचे आ रहा है तो क्या स्थिति होती है, अगर हम कहीं पर ब्रेक वर्ड यूज किया गया अधिकतम ऊंचाई के लिए याद कीजिए अधिकतम ऊंचाई में कितना समय लगेगा, तो ऐसी बात की गई है तो अधिकतम ऊंचाई वाली कंडीशन हमें अपने आप लगा देनी है, वहां अधिकतम ऊंचाई लिख दिया इसका मतलब उसकी कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये आप लिख जरूर लें लेकिन वो ध्यान रखें आया कैसे है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर रट्टा निवारना पड़ेगा, ध्यान रहेगा अपने आप, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।